हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपे सिविल 1996 में पूछा गया क्वेश्चन। ये बेसिकली जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एमपी जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम 1996 में सिविल जजमेंट राइटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है। आज इस वीडियो में हम इस जजमेंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप हमारे लीगल सर्विसेज पेड नोट्स को अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे साथ कोई इंटरेक्टिव सेशंस बुक करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझसे वन ऑन वन लाइव सेशन में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जजमेंट राइटिंग के इंटरेक्टिव सेशंस चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग को। चलिए क्वेश्चन के फैक्ट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं कि वाई का घर है भोपाल में। अब डिस्प्यूट क्या है कि प्लेंटिफ एक्स ने 30 जून 1996 में अग्रीमेंट टू सेल किया है वाई के साथ। जो अमाउंट फिक्स हुआ है वो हुआ है 8,000। प्लेंटिफ एक्स का कहना है कि उसने 2,000 रुपये अर्नेस्ट मनी के रूप में पे कर दिए हैं, और वाई और एक्स के बीच में ये टर्म्स फिक्स हुई हैं कि अग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूट करके डीड बना दी जाएगी, यानी रजिस्ट्री करवा दी जाएगी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। यानी जिस दिन से अग्रीमेंट टू सेल हुआ है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर इसकी एग्जीक्यूशन कराकर डीड रजिस्टर करवा दी जाएगी। उसके बाद होता क्या है कि वाई ने ये घर जेड को बेच दिया 10,000 रुपये में 2 दिसंबर 1996 को। यानी कि पहले एक्स और वाई के बीच में अग्रीमेंट टू सेल हुआ था, जहां पर कि अर्नेस्ट मनी पे कर दी जा चुकी 2,000 रुपये। फिर वाई ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी जेड को बेच दी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो वाई के पास थी ना, और ये जो बेची ये 10,000 रुपये में बेच दी। अब प्लेंटिव का कहना क्या है, यानी एक्स का कहना क्या है कि जेड को पहले से पता था कि वाई ने मेरे साथ यानी एक्स के साथ कोई अग्रीमेंट ऑफ सेल किया हुआ है, ये जानते हुए भी उसने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो इसलिए एक्स ने ये सूट फाइल किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि मेरे फेवर में इस प्रॉपर्टी की डीड एग्जीक्यूट करवाई जाए। वाई और जेड अब इन दोनों ने इस सूट को कंटेस्ट किया। कंटेस्ट में ये अपने रिप्लाई में रिटन स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, वाई ने एडमिट किया कि हाँ एक्स के साथ मेरा अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था। उसने ये भी एडमिट किया कि हाँ मैंने 2,000 रुपये भी रिसीव किए थे। पर ये डिफेंस क्या लेता है कि प्लेंटिफ बाकी का बचा हुआ पैसा अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इसके फेवर में सेल डीड नहीं करवाई। जेड क्या प्ली लेता है, जेड क्या डिफेंस लेता है, जेड कहता है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि इन्होंने पहले से आपस में कोई लेन देन किया हुआ है, और साथ ही वो कहते हैं कि मैंने जो ये प्रॉपर्टी परचेज़ करी है ये मैंने गुड फेथ में परचेज़ की है, मैंने ये बिलीव करते हुए परचेज़ की है कि वाई एंटाइटल है इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। और साथ ही ऑल्टरनेटिव में वो क्या कहता है कि प्लेंटिफ के पास क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए उसने ये हाउस लेने से मना कर दिया था, तो ये प्रॉपर्टी अब मैंने ले ली। अब ये तो थे क्वेश्चन के फैक्ट्स। उसके साथ जब आप क्वेश्चन देखेंगे, एमपी के प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो दोनों की तरफ से एविडेंस आई होती है वो भी हमें पेपर में दी गई होती है। तो यहाँ पर भी हमें एविडेंस दी गई है, प्लेंटिफ की तरफ से क्या क्या आया है। प्लेंटिफ की तरफ से एक्स यानी कि प्लेंटिफ खुद एग्जामिन हुआ है एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1। उसके बाद विटनेस ए को लाया गया है, जो कि जिसने कि अग्रीमेंट ऑफ सेल जो है वो लिखा था इन फेवर ऑफ एक्स, और जो जेड के फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी उसे भी उसी ने ही लिखा था, ये आया है प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की तरह। उसके बाद थर्ड विटनेस प्लेंटिफ की तरफ से आता है, प्लेंटिफ विटनेस 3, ये है मिस्टर सी जो कि सब रजिस्ट्रार है, जिसके सामने एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड जो जेड के फेवर में हुई है उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। अब प्लेंटिफ ने कुछ डॉक्यूमेंट भी कोर्ट के सामने पेश किए हैं। पहला डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट टू सेल डीड, जो कि है एग्जिबिट P1। देखिए यहाँ पर भी तो इन्होंने एग्जिबिट्स दे दिए, पर जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में कोई भी डॉक्यूमेंट आया है तो आप हर डॉक्यूमेंट को नाम देते जाइए। जो भी प्लेंटिफ की तरफ से आएगा उसको आप नाम देंगे एग्जिबिट P1, P2, P3। जो भी डिफेंस की साइड से या डिफेंडेंट की साइड से आएगा उसको आप नाम दोगे एग्जिबिट D1, D2, D3 एंड सो ऑन।
तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया अग्रीमेंट टू सेल डीड, दूसरा हो गया सेल डीड इन फेवर ऑफ जेड, जो भी जेड के फेवर में सेल डीड हुई है ये एग्जिबिट P2 है। थर्ड ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन जो इसने सब रजिस्ट्रार के सामने लगाई है वो है एग्जिबिट P3। ये तो था प्लेंटिफ का वर्जन। डिफेंस या फिर डिफेंडेंट क्या कहता है, डिफेंडेंट ने सबसे पहले खुद डिफेंडेंट एग्जामिन हुआ फर्स्ट एज डिफेंडेंट विटनेस वन, और एक और विटनेस लेकर आता है बी, जो कि ये कहता है कि इसकी फेवर इसके सामने एक्स ने ये कहा था कि मेरे पास बाकी पैसा नहीं है इसलिए मैं सेल डीड आगे नहीं करवा सकता। तो ये जो बी विटनेस लेकर आए हैं ये है डिफेंडेंट विटनेस टू, इसके सामने एक्स ने अपनी इनएबिलिटी शो करी थी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। जो सेकेंड डिफेंडेंट है जेड, उसने अपने आप को एग्जामिन किया और वो एज अ डिफेंडेंट विटनेस थ्री कोर्ट के सामने आया। ये तो थे हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स। अब जजमेंट लिखते किस तरीके से हैं, सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे द कोर्ट ऑफ डैश, अभी आपने अपना नाम नहीं लिखना है, डैश रखना है, सिविल जज सेकंड क्लास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। फिर नीचे आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिसाइडेड बाय, यहाँ पे भी वैसे तो आना चाहिए जज का नाम, पर यहाँ पर अभी आप ये जो ब्लैंक है ये खाली छोड़ेंगे, लिख देंगे प्रिसाइडेड बाय डैश। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे CIS नंबर, सिविल सूट नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो लिख दीजिए, नहीं दिया गया तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर आप खाली छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे प्लेंटिफ की डिटेल, प्लेंटिफ का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, उसका रेसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन, और फिर यहाँ तीन डॉट डालनी है, ये ज़्यादा डॉट्स डली हुई हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको तीन डॉट डालनी है यहाँ पर, और लिखना है प्लेंटिफ, ठीक है। वर्सेस जो भी डिफेंडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट ये सूट फाइल किया गया है उनकी पूरी डिटेल्स, उनका नाम, उनके फादर का नाम, एज, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन दोनों का आएगा। जैसे यहाँ पर दो डिफेंडेंट है तो पहले डिफेंडेंट का लिख दिया और फिर दूसरे डिफेंडेंट का लिख दिया। फिर दोनों की तरफ से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आएगा यहाँ पर। फिर आप कैपिटल लेटर्स में सेंटर में लिखेंगे जजमेंट, फिर ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोनाउंस्ड ऑन, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं। अब फॉर्मेट क्या है, जजमेंट स्टार्ट हो गया है तो पैराग्राफ नंबर वन में आएगा कि सूट किस सेक्शन में फाइल किया गया है, पैराग्राफ नंबर टू में आएगा कि अगर कोई एडमिटेड फैक्ट है तो वो, पैराग्राफ नंबर थ्री में प्लेंटिफ की पूरी स्टोरी आएगी, पैराग्राफ नंबर फोर में डिफेंडेंट की पूरी स्टोरी आएगी, और पैराग्राफ नंबर फाइव में हम बनाएंगे इश्यूज, ठीक है। तो चलिए अब देखिए पैराग्राफ नंबर वन क्या है, यहाँ पर क्या सूट फाइल हुआ था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए अग्रीमेंट टू सेल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सूट है ये फाइल हुआ है सेक्शन 10 ऑफ SRA में, और उसके बाद आप ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। देखिए अब पैराग्राफ नंबर वन में क्या लिखेंगे कि प्लेंटिफ ने ये सूट डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेक्शन 10 ऑफ SRA में फाइल किया है, SRA नहीं लिखेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में फाइल किया है। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे हेयर इन आफ्टर एज SRA, मतलब एक बार आपको एक्ट का पूरा नाम लिखना होगा, फिर आप ब्रैकेट में लिख देंगे अब जब कभी भी मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लिखना चाहता हूँ तो उसकी जगह मैं लिखूँगा SRA। फोर किसके लिए फाइल करा है, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल डेटेड, जो भी डेट को एग्रीमेंट टू सेल हुआ था वो, और किस प्रॉपर्टी के लिए किया है उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाएंगी, सेल ऑफ अ हाउस सिचुएटेड इन भोपाल। फिर अब सूट प्रॉपर्टी बार बार आएगी तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज सूट प्रॉपर्टी, कि जहाँ पर भी मैं इस घर को लिखना चाहूँगा मैं वहाँ पर लिख दूंगा सूट प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर वन। पैराग्राफ नंबर टू पर आ जाइए, पैराग्राफ नंबर टू में आता है हमारा एडमिटेड फैक्ट। हमारे केस में क्या एडमिटेड फैक्ट था कि 30/6/1996 को अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, इस बात को
डिफेंडर नंबर वन ने एडमिट किया है, और साथ ही 2000 रुपये वाली बात को भी एडमिट किया है, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर लिख सकते हो, पर यहाँ पर नहीं लिखी हुई। तो हम क्या लिखेंगे पैराग्राफ नंबर टू में, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 30/6/96 अंडर विच वाई अग्रीड टू सेल हिज हाउस इन भोपाल टू एक्स इज एन एडमिटेड फैक्ट। तो ये हमारा एडमिटेड फैक्ट है यहाँ पर। पैराग्राफ नंबर थ्री में प्लेंटिव की पूरी स्टोरी आएगी। देखिए, जब भी आप प्लेंटिव की स्टोरी लिखेंगे तो जो भी रिलेवेंट फैक्ट है उसको लिखिए, जितना भी अननेसेसरली चीज़ आपको लगती है उसको छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतलब नटशेल में लिखी जानी है क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्ज़ाम में। तो पैराग्राफ नंबर थ्री में लिखेंगे कि प्लेंटिव की स्टोरी ये है कि डिफेंडेंट नंबर वन ने अग्री किया था कि वो एग्रीमेंट टू कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो कि भोपाल में है वो प्लेंटिव को सेल करेगा, जिसके लिए उसने एग्रीमेंट टू सेल किया 30 जून 96 को 8000 रुपये के लिए, जिसपे कि 2000 रुपये एज अर्नेस्ट मनी पे कर दिया गया। और डिफेंडेंट नंबर वन ने कहा कि जिस दिन से ये एग्जीक्यूट हुआ है वहाँ से 6 महीने में वो इसकी डीड करवा देगा। पर डिफेंडेंट नंबर वन ने क्या किया, ये घर 2 दिसंबर 96 को किसी और को डिफेंडेंट नंबर टू को 10000 रुपये में बेच दिया। और डिफेंडेंट नंबर टू को पहले से ये बात पता थी कि इसका ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। अब क्योंकि इसके फेवर में डीड नहीं करवाई गई, इसलिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया है। और साथ ही अब आप एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर क्या लिखोगे, अब आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो सूट उसने फाइल किया प्लेंटिफ ने, ये विद इन ज्यूरिस्डिक्शन है, कोर्ट फीस प्रॉपर लग गई है, विद इन लिमिटेशन है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मैंशन करनी होंगी, एक तो ज्यूरिस्डिक्शन, दूसरा कोर्ट फीस और तीसरा लिमिटेशन। मतलब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएंगी, ये चीज़ें आपको खुद से लिखनी है। यही एक आर्ट है जजमेंट राइटिंग का, कि आपको सिर्फ स्टोरी बता दी गई है, अब जजमेंट आप किस तरीके से लिखोगे वो आपको खुद से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें पैराग्राफ नंबर फोर में लिखना था डिफेंडेंट की पूरी स्टोरी। तो डिफेंडेंट की पूरी स्टोरी क्या है कि जो वाई और जेड दो डिफेंडेंट है, इन्होंने सूट को कंटेस्ट किया है। डिफेंडेंट नंबर वन का कहना है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कि उसने अग्रीमेंट टू सेल किया था, इस बात को वो एडमिट करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने 2000 रुपये भी रिसीव किए थे, पर वो डिफेंस ये लेता है कि प्लेंटिफ ने बाकी का अमाउंट पे नहीं किया इसलिए उसने सेल डेट नहीं कराई। वहीं डिफेंडेंट नंबर टू अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कहता है कि उसे कोई नॉलेज नहीं है कि पहले प्लेंटिफ के फेवर में ये एग्रीमेंट टू सेल किया जा चुका है। वो कहता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी तो गुड फेथ में खरीदी है, और प्लेंटिफ क्योंकि बाकी पैसे नहीं ला पाया इसलिए डिफेंडेंट ने मेरे को ये प्रॉपर्टी बेच दी। इसलिए जो प्लेंटिफ का सूट है वो डिसमिस होना चाहिए विद कॉस्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगी, ये आपको खुद से लिखनी होगी। अब स्टार्ट हो जाता है हमारी जजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इश्यूज़। से पहले क्या होता है कि कोर्ट पार्टी को ओरली एग्जामिन करती है। तो पैराग्राफ नंबर फाइव में आप यही लिखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन एंड डिनायल कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ का ओरल एडमिशन किया अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ CPC। आप CPC नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, फिर आप ब्रैकेट में लिख देंगे हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज CPC। और सभी प्लीडिंग्स को और डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, और उसके बाद कोर्ट क्या इश्यूज़ फ्रेम करती है। देखिए, अभी तक आपको क्वेश्चन के फैक्ट समझ में आ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि इश्यूज़ हमारे किस तरीके से बनेंगे। ये जो इश्यूज़ वाला पार्ट है ये ही कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि आपका जजमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। देखिए, अब यहाँ पे जब हम इश्यूज़ फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले एक टेबल बनाई जाती है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा जाएगा, फिर इशू लिखा जाएगा, फिर ओनस लिखा जाएगा, और फिर फाइंडिंग लिखी जाएगी। इशू फ्रेम करने के बाद ओनस आपको क्या लगता है किसके ऊपर होगा, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, आपको वो लिखना है। और जो लास्ट वाला कॉलम है ना फाइंडिंग्स का, ये हम खाली छोड़ेंगे। जब हम इसे अप्रेज कर लेंगे तो हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे कि हमारा ये इशू प्रूफ हुआ है या फिर डिसप्रूफ। तो आ जाते हैं फर्स्ट इशू पे। फर्स्ट इशू हमारा बनेगा कि क्या डिफेंडेंट नंबर वन ने ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट टू सेल किया है प्लेंटिफ के साथ, तो इसका जो ओनस है वो प्लेंटिफ के ऊपर होगा। सेकेंड इशू बनेगा कि क्या प्लेंटिफ हमेशा से रेडी और विलिंग था अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जैसा कि डिफेंडेंट ने बोला ना कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने पैसे से मना कर दिया, तो ये चीज़ हमारी रेडीनेस और विलिंगनेस से चेक होती है। तो वो इशू हम यहाँ पे बनाएंगे, इसका ओनस भी होगा प्लेंटिफ के ऊपर। थर्ड इशू हमारा बनेगा कि क्या डिफेंडेंट नंबर टू जो है, जो जेड था, वो क्या बोनाफाइडी परचेजर है।
इसका जो ओनस है वो होगा डिफेंडेंट नंबर टू के ऊपर। नेक्स्ट इशू हमारा बनेगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसका ओनस होगा प्लेंटिफ के ऊपर। लास्ट इशू हमेशा बनता है हमारा रिलीफ और कोस्ट का, ये हमेशा आप ध्यान रख लो कि सिविल में जो लास्ट इशू होगा वो रिलीफ और कोस्ट का होगा कि आपने क्या रिलीफ दिया और कोस्ट आप किसके ऊपर लगा रहे हो। ठीक है, अब इशूज़ हमने बना लिए, अब जितने इशू हमने बनाए हैं अब हम इनको अप्रेज करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ इशू विद रीजंस। अब हमने बनाए हैं टोटल 5 इशू, आप चाहें तो एक एक इशू को लेकर अप्रेज कर सकते हैं, चाहें तो कोई दो इशू लेकर अप्रेज कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं और किस तरीके से, किस एविडेंस के सपोर्ट से प्रूव करोगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इशू नंबर वन। इशू नंबर वन हमारा क्या था कि क्या डिफेंडेंट नंबर वन ने ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट टू सेल किया है। तो यहाँ हम पैराग्राफ नंबर 6 में क्या लिखेंगे, एज पर सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है पूरे केस का वो होगा प्लेंटिफ के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको जजमेंट में लिखनी होंगी खुद से। अब एज पर सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये प्रूव करने का ऑनस कि डिफेंडेंट नंबर वन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये प्लेंटिफ के ऊपर होगा। मतलब प्लेंटिफ को प्रूव करना है कि डिफेंडेंट ने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर कोई एविडेंस नहीं आता है तो प्लेंटिफ लूज कर देगा केस को। तो अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए प्लेंटिफ ने सबसे पहले खुद अपीयर होता है एज प्लेंटिफ विटनेस वन, और वो अपनी प्लीडिंग्स को प्रूव करता है और ये कहता है कि डिफेंडेंट नंबर वन ने अग्री किया था कि वो अपना घर जो है वो उसे बेचेगा, जिसके लिए उन्होंने अग्रीमेंट टू सेल किया, जो कि एग्जिबिट P1 है, जो कि 30/6/1996 को किया गया था 8,000 रुपये के लिए, जिसपे कि उसने 2,000 रुपये अर्नेस्ट मनी पे कर दिया था। उसके साथ ही प्लेंटिफ विटनेस वन ये कहता है कि 2 दिसंबर 1996 को डिफेंडेंट नंबर वन ने अपना घर जो है वो डिफेंडेंट नंबर टू को 10,000 रुपये में बेच दिया, जिसकी सेल डीट एग्जिबिट P2 है। प्लेंटिफ विटनेस वन को जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो वो रिबट नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि हमारी नेक्स्ट एविडेंस क्या आई है। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 में लिखेंगे कि स्क्राइब, जो कि एग्जिबिट P1 और P2 को जिसने लिखा था मिस्टर ए, उसको एग्जामिन किया जाता है एज प्लेंटिफ विटनेस 2, जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करता है और ये भी अपनी एग्जामिनेशन में रिबट नहीं होते हैं। देखिए ये चीज़ रिबटल वाली चीज़ हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, पर ये चीज़ हमें अपने आप से लिखनी है। अब हम सीरीज़ कैसे चल रहे हैं कि जैसे जैसे विटनेस आए जा रहे हैं वैसे वैसे हम पैराग्राफ्स ऐड किए जा रहे हैं। प्लेंटिफ की तरफ से यही विटनेस आए थे, हमने लिख दिया। अब डिफेंडेंट की तरफ से कौन आया उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पर कॉन्ट्रा डिफेंडेंट नंबर वन अपीयर होते हैं एज डिफेंडेंट विटनेस वन, और जो उन्होंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कहा था वही सारी बातें आकर वो कहते हैं। उन्होंने अग्रीमेंट ऑफ सेल को एडमिट किया है कि हाँ इन्होंने किया था, अर्नेस्ट मनी को भी इन्होंने एडमिट किया है, पर इन्होंने ये कहा है कि प्लेंटिफ ने बाकी का पैसा अरेंज नहीं कर पाया इसलिए ये सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। डिफेंडेंट विटनेस वन को क्रॉस एग्जामिनेशन में प्लेंटिफ रिबट नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, अभी देखिए सबकी जो विटनेस है वो डिफेंडेंट विटनेस वन तक हो चुकी है। अब यहाँ पे किस तरीके से अप्रेजल होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो लेकर आए हैं, उससे वो कहाँ पे रेलेवेंट होगा, ये सारी चीज़ें अब हम अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन पर यूजुअल ऑफ द मैटर ऑफ रिकॉर्ड दिस कोर्ट इज ऑफ कंसीडर्ड व्यू। मतलब आपने अभी तक देख लिया कि प्लेंटिफ फिटनेस वन ने क्या कहा, प्लेंटिव विटनेस टू ने क्या कहा, डिफेंडेंट विटनेस वन ने क्या कहा, और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं इशू नंबर वन कि क्या डिफेंडेंट नंबर वन ने प्लेंटिव नंबर वन के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अप्रेज किस तरीके से करेंगे कि मैटर ऑफ रिकॉर्ड को देखने के बाद सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात की गई है कि ये पार्टीज की ऑब्लिगेशन है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को किसी और से परफॉर्म करवाया जाए, जब तक कि परफॉर्मेंस को लॉ के अकॉर्डिंग डिस्पेंस ना कर दिया जाए। मतलब अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो परफॉर्म होगा ही होगा। तो हमारे केस में ये बात की एडमिशन डिफेंडेंट ने की है कि इन्होंने सेल डीड तो
प्लेंटिफ के फेवर में करी है और पैसा भी लिया है, पर बाकी का जो बचा हुआ पैसा था उसके लिए 6 मंथ का टाइम रखा गया, 6 महीनों का टाइम रखा गया, और ये जो एग्जीक्यूशन होना था इस डॉक्यूमेंट का वो 6 महीने के बाद होना था वो पैसा लेकर। पर डिफेंडेंट विटनेस 1 रिबट नहीं हुए हैं अपनी टेस्टिमनी में, जिससे ये क्लियर होता है कि प्लेंटिफ ने कभी भी बाकी पैसे देने के लिए ऑफर किया ही नहीं था, इसलिए ये फेल होता है, यानी प्लेंटिफ फेल होता है अपने उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में। इसलिए डिफेंडेंट की साइड से यहाँ पर कोई ब्रीच नहीं है, क्योंकि अगर प्लेंटिफ ने बाकी का पैसा दिया होता तो वो अपनी टेस्टिमनी में लेकर आता कि मैंने कैश दिया था, मैंने इसके सामने दिया था, मैंने चेक दिया था या कुछ भी, ठीक है, तो वो कुछ भी लेकर नहीं आया, मतलब उसने नहीं दिया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्रेज करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि साथ ही अगर आप एग्जिबिट P1 देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि इन्होंने आपस में एक टाइम फिक्स कर लिया था कि विद इन 6 मंथ्स, जिस दिन से अग्रीमेंट हुआ था वहाँ से विद इन 6 मंथ्स ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पार्टी की इंटेंशन यानी डिफेंडेंट की इंटेंशन थी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर जो इन्होंने टाइम फिक्स किया है वो टाइम कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस हो जाता है। हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना कि वे टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर एसेंस था तभी वो मेंशन किया गया था। तो एज पर सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो प्रोसिक्यूशन प्लेंटिफ विटनेस 1 है, इन्होंने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, उसमें ये फेल होते हैं, इसलिए जो अग्रीमेंट है ये वॉइडेबल होता है एट द इंस्टेंस ऑफ डिफेंडेंट विटनेस 1। इसलिए डिफेंडेंट विटनेस 1 का कोई फॉल्ट नहीं है और उसने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो इसके हिसाब से जो इशू नंबर 1 है वो डिसप्रूव होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर डिसप्रूव किया ना, तो हमारे इशू जब हमने बनाए थे उसमें हमारा लास्ट कॉलम था फाइंडिंग्स का, हमने उसे ब्लैंक छोड़ा था, अब क्योंकि ये इशू डिसप्रूव हो गया है तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर जाकर लिख देंगे डिसप्रूव। देखिए अब हमारा जो फर्स्ट इशू है इसके सामने हमने लिख दिया है डिसप्रूव। सेकंड इशू है हमारे कि क्या प्लेंटिफ रेडी और विलिंग था अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अब इस इशू को डिसाइड करते हैं। तो आप सेंटर में लिख लेंगे इशू नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमारे सामने जो इम्पॉर्टेंट इशू आ जाता है वो ये कि क्या प्लेंटिफ रेडी और विलिंग था अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम देखें सेक्शन 16C ऑफ SRA, प्लेंटिफ को रेडीनेस और विलिंगनेस प्रूव करनी होगी। अगर वो ये कहता है कि मैं रेडी और विलिंग था इस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, रेडीनेस का यहाँ मतलब है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से, यानी उसके पास पूरा पैसा था कि वो पे करे, और विलिंगनेस का मतलब है कि उसने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए थे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। हमारे प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ परचेजर है सूट प्रॉपर्टी का, और इसने 2000 रुपये दिए थे एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, जो उसकी इंटेंशन बताता है कि वो लैंड को परचेज करना चाहता था। ये डिफेंडेंट विटनेस 1 की टेस्टिमनी से क्लियर होता है कि बाद में वो बाकी का पैसा अरेंज नहीं कर पाया, यानी वो अपनी रेडीनेस को फुलफिल नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि डिफेंडेंट नंबर 1 ने मिस्टर बी को एग्जामिन किया एज डिफेंडेंट विटनेस 2, जिसने ये कहा कि उसकी प्रेजेंस में एक्स ने इनएबिलिटी बताई थी कि उसके पास बाकी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो सेल डीड को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ये फैक्ट कि कोई और पर्सन आकर ये कहे कि इसने मेरे सामने ये बात कही थी, ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये प्लेंटिफ का एडमिशन होगा एज सेल्फ हार्मिंग इन नेचर। तो ये चीज़ आप इस तरीके से अब अप्रेज करोगे कि ये बात जो बोल के गया है वो कहाँ पर रेलेवेंट होगी। फिर डिफेंडेंट विटनेस 2 ने जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये अनरिबट रहे, इससे ये प्रूव होता है डिफेंडेंट विटनेस 1 और 2 की टेस्टिमनी से कि रेडीनेस की लैक थी प्लेंटिफ की तरफ से। अब बात आ जाती है विलिंगनेस की, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। अब बात जहां आ जाती है विलिंगनेस की, क्या प्लेंटिफ विलिंग था, तो प्लेंटिफ ने इस चीज को प्रूव नहीं किया है। इसने सिर्फ ये कहा है कि इसने सब रजिस्ट्रार के सामने जो जेड के फेवर में सेल डीड हुई है उस पे ऑब्जेक्शन किए थे। प्लेंटिफ ने सब रजिस्ट्रार को प्रोसिक्यूशन प्लेंटिफ विटनेस 3 की तरह एग्जामिन करवाया, जिसने आकर
प्लेंटिफ की एप्लीकेशन के बारे में बताया कि हाँ, इसने अपोज किया था जेड की सेल डीड को। प्लेंटिफ विटनेस थ्री ने जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट नहीं हुए। सिर्फ ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर देना ये प्रूव नहीं कर देता कि प्लेंटिफ विलिंग था। अगर वो विलिंग होता तो वो एट द टाइम, एट द डेट ऑफ द रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाता और कहीं ना कहीं वो अप्रोच करता डिफेंडेंट नंबर वन को, जो कि उसने नहीं किया। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो प्लेंटिफ है उसका जो कंडक्ट था वो पैसिव कंडक्ट है, जो कि सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट होगा कि उसकी तरफ से लैक ऑफ विलिंगनेस थी। सो कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट और ये हेल्ड करती है कि प्लेंटिफ कभी भी रेडी और विलिंग नहीं था अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो इशू नंबर टू जो है वो भी डिसप्रूव हो जाएगा। अब क्योंकि ये यहाँ डिसप्रूव हुआ है तो फिर से आप जाके उस टेबल के लास्ट कॉलम में लिख दोगे डिसप्रूव। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे कि क्या डिफेंडेंट नंबर टू बोनाफाइडी परचेजर है, यानी जो जेड के फेवर में दूसरी सेल डीड हुई है दिसंबर में, तो क्या जेड ने जो परचेज किया वो बोनाफाइडी किया है या नहीं किया। तो आप यहाँ सेंटर में लिख देंगे इशू नंबर थ्री और फिर पैरा की स्टार्टिंग में यही लिखेंगे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि क्या डिफेंडेंट नंबर टू बोनाफाइडी परचेजर है या नहीं है। तो प्लेंटिफ विटनेस वन ने ये कहा कि डिफेंडेंट नंबर टू को पहले से पता था कि उसके यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर वन के बीच में अग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। डिफेंडेंट नंबर टू अपीयर होता है एज डिफेंडेंट विटनेस थ्री और ये डिफेंस लेता है कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी। साथ ही ये कहता है कि इसने जो ये प्रॉपर्टी परचेज करी है ये गुड फेथ में करी है और जब इसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो ये रिबट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे कि एज पर सेक्शन थ्री पैराग्राफ 20 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट 1897 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि उसने कोई चीज गुड फेथ में की है तो इसका मतलब है कि वो चीज उसने ऑनेस्ट तरीके से की है। और साथ ही एज पर सेक्शन 2H ऑफ द लिमिटेशन एक्ट कोई भी चीज़ अगर केयर और अटेंशन से की जाती है तो उसे हम कहेंगे कि वो गुड फेथ में की गई है। डिफेंडेंट विटनेस थ्री ने ये कहा है कि इसने ये गुड फेथ में किया है, उसको ये लगा कि जो वाई है वो एंटाइटल है इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए और कहीं पर भी हमें पूरे केस में ये नहीं दिखा कि इस पर्सन जेड का कहीं पर बैड फेथ है या बैड मोटिव है। तो जो एप्लीकेशन प्लेंटिफ विटनेस वन ने रजिस्ट्रार के सामने लगाई है ऑब्जेक्शन की, वो रजिस्ट्रेशन के बाद लगाई है, यानी जब इसके फेवर में रजिस्ट्रेशन हो गया है उस प्रॉपर्टी का, डीड बन गई है, उसके बाद लगाई है। तो जब ये लगाया ऑब्जेक्शन तब जाके इसको नॉलेज में आया कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्प्यूट में थी। और साथ ही प्लेंटिफ ये बात को प्रूव करने में फेल हुआ है कि डिफेंडेंट नंबर थ्री मालाफाइड इंटेंशन से इसने ये प्रॉपर्टी नए बंदे को बेची है, यानी जो जेड है उसकी इंटेंशन मालाफाइड है, ये प्लेंटिफ प्रूव नहीं कर पाया है। और एज पर एक्सप्लेनेशन टू ऑफ सेक्शन थ्री पैरा सेवन ऑफ TPA अगर एक पर्सन ने कोई इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक्वायर कर लिया है तो जो पर्सन एक्चुअल पोजेशन में है वो ये मानेगा कि जो पर्सन एक्चुअल पोजेशन में है टाइटल उसका है और यहाँ पे पोजेशन में डिफेंडेंट विटनेस वन था तो इसलिए इसको ये लगा कि ये उसकी ही प्रॉपर्टी है, इसलिए डिफेंडेंट विटनेस थ्री एक बोनाफाइडी परचेजर माना जाएगा और इशू नंबर थ्री जो है वो प्रूव होता है, यानी कि जो नया परचेजर है वो बोनाफाइडी परचेजर। नेक्स्ट इशू हमारा था कि क्या प्लेंटिफ के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम सेंटर में लिख देंगे इशू नंबर फोर। किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो एज पर सेक्शन 10 ऑफ SRA कुछ कंडीशन हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पर अगर आप नया ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि अगर आप अब देखोगे सेक्शन 10 ऑफ SRA उसमें लिखा है कि सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जा सकते हैं एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे 11 का क्लोज टू, 14
और 16, इनको छोड़कर सभी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसलिए जो इशू नंबर 4 है वो डिसप्रूव होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट हम सेंटर में लिखेंगे इशू नंबर 5 रिलीफ और कोस्ट का। पैराग्राफ में लिखेंगे कि सारे इश्यूज को डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि प्लेंटिफ ने एक केस एस्टैब्लिश नहीं किया है और कोर्ट प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस करती है और ये रिलीफ देती है। क्या? कि प्लेंटिफ एंटाइटल नहीं होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, सेल डीड जो हुई है डिफेंडेंट 1 और डिफेंडेंट 3 के बीच में ये वैलिड है, प्लेंटिफ अपनी कॉस्ट खुद बियर करेगा और साथ ही डिफेंडेंट की कॉस्ट भी बियर करेगा, एडवोकेट की फीस भी इस कॉस्ट में इंक्लूड होगी। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली, फिर राइट हैंड साइड पर साइन कर देंगे अपने, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप लिखेंगे दिस जजमेंट इज डेटेड साइन एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, फिर दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ी सी जगह छोड़कर दोबारा से साइन करेंगे और अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये पेपर था एमपी का 1996 का सिविल का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरीके की सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी आपकी कोई ओपिनियन या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशंस करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।